मेजबानी सनत व तिजारत कराची के तहत एक्सपो सेंटर में माई कराची का आगाज। नुमाइश में पाकिस्तान के साथ चीन, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत 50 मुल्कों की कंपनीज और वफूद शरीक हैं। ब्रांडेड मलबूसात के साथ जूते, कालीन, चप्पल, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, बर्तन, सजावटी अशिया, खिलौने और फर्नीचर समेत खाने पीने के मुतअद्दिद स्टॉल्स मौजूद हैं। हमारे पास ये बच्चों के फ्रॉक्स हैं, जैकेट्स हैं और थ्री पीस सूट्स भी हैं, तो एक अच्छा सा फन हमें भी मिल रहा है और आवाम को भी। जी, कॉस्मेटिक्स है एंड हैंडमेड दुपट्टा वगैरह है। ज्वेलरी भावलपुर की है, भावलपुर से इम्पोर्ट की जाती है, प्योर कुंदन में है। नुमाइश में तमाम अशिया बाजार से 20-50% तक कम कीमत पर हैं। शहरी कहते हैं नुमाइश शानदार है। ऐसी कंपनीज है जिनकी बड़ी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर शोकेस की हुई हैं। दूसरी अच्छी बात ये है कि बड़े अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पे लोग अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अच्छी होती है हमेशा, मैं भी यही सोच के आई थी कुछ इलेक्ट्रॉनिक की चीजें चाहिए थी। कराची एक्सपो सेंटर में ये बैन अवी नुमाइश 5 मार्च तक जारी रहेगी। शुरका का कहना था माई कराची एग्जीबिशन बेहतरीन नुमाइश है जिसके नतीजे में न सिर्फ मयारी अशिया मिल रही हैं बल्कि कीमतें भी मार्केट की नस्बत काफ़ी कम हैं। कैमरामैन असगली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़ कराची।